आज जरूरत इस बात की है कि चिंतक विचारक अपनी अपनी जगह पर इन टूटी हुई कड़ियों को खोजकर संतुलित करें। ये तमाम सिद्धांत हमारे ऋषियों ने कोई फिलोसॉफिकल बहस चर्चा में नहीं रखते थे। जिसने दर्शन पढ़ा है और जिसने दर्शन नहीं पढ़ा है, व्यक्ति व्यक्ति के जीवन की छोटी छोटी बातों के अंदर इन उदारत जीवन मूल्य और व्यवस्था को हम देखते हैं, उन्हें फिर से खोजने की और फिर से जीवन के चलन में लाने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों का विचार करें। इस देश में अनेक भाषाएं प्रांत रहे और हर घर के अंदर एक पद्धति थी कि भोजन के समय पहली रोटी बनेगी तो अपना इकलौता बच्चा भी भूखा है वो मांगता है तो माँ कहती थी अभी नहीं है, तेरे लिए नहीं है, ये किसके लिए है, ये गाय के लिए, कुत्ते के लिए, किसी के लिए रखेंगे, पहली चीज। और किसी में आपके अब मलयाली बोलने वाला, बंगला बोलने वाला, असमी बोलने वाला, गुजराती बोलने वाला कहीं चले जाइए, फिलोसफी नहीं था, डे टू डे में है। हर घर के अंदर पानी का एक पात्र टांगते थे ऊपर, क्यों, कोई पक्षी प्यासा हो तो उसको मिलना चाहिए। आजकल बड़ी चर्चाएं चलती है विश्व एकता की, लेकिन आदमी को आजकल 10 रुपए की बोतल लेना पड़ती है पानी पीने के लिए, वो पंछी की चिंता करते थे, बाहर भोज बनाते थे, पशु प्यासा नहीं रहना चाहिए, उसके पानी की व्यवस्था। सुबह उठती थी माताएं तो 2 मोटी अनाज लेके छत पर डालती थी कि कोई भूखा होगा पक्षी तो उसको मिलना चाहिए। भोजन के लिए बैठते थे तो कहते थे कि घर के बाहर आके पहले 5 बार आवाज लगाओ, कोई भूखा तो नहीं है, इसलिए रेस्टोरेंट और होटल की जरूरत नहीं पड़ी हमारे यहाँ। कहीं किसी गांव में अनजान जगह कोई भी पहुंच जाए, समय हुआ तो भोजन मिलेगा उसको। ये एकात्मता जीवन में लाए, शोषण नहीं होना चाहिए, उसके लिए बड़े बड़े तगड़े कानून नहीं बनाए हमारे यहाँ पर। मनुष्य के चेतना को इतना इम्यूरेट किया तो पूरे भारत में आपको दिखाई देगा कि पहले पद्धति थी अनाज लेने आप जाओगे, गेहूं खरीदा वो तोल के जब देता था तो बाद में फिर 10-20 तगड़े डालता था ऊपर से, क्यों, एक गलती से आपको कम न मिल गया। दूध देने वाला आता था तो दूध देता था बाद में थोड़ा सा डालता था, क्यों, आपको कम नहीं मिला। रिक्शे की क्यू लगी हुई है और कोई कहता कि भैया क्यू में नंबर पीछे है, लेकिन सुबह से मेरी होनी नहीं हुई है, मुझे एक भी ग्राहक नहीं मिला है। तो सारे भारत में पद्धति थी कि 10 लोग अपना अधिकार छोड़कर बोनी नहीं हुई तो बोनी होना चाहिए उसकी, इसी काम था। हमारे यहाँ का जो दर्शन था वो हमारे सामान्य शब्दों में व्यक्त हुआ। अब्राहमिक वर्ल्ड व्यू के अंदर मनुष्य मरने के बाद कयामत तक उसको पड़े रहना है, और कयामत तक चूंकि उसको रहना है इसलिए सजा धजा के उसको कॉपी में रख के और शब्द प्रयोग करेंगे कि मैं वो पीस हूं, शांति के साथ में इसमें रहो, मैं वो लीव इन पीस। हमारे यहाँ पर तो मरने के बाद देर नहीं है, तुरंत ही कुछ न कुछ होना है, इसलिए स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, कैलाशवासी, सदगति, देवाज्ञाधारी, तरह तरह के शब्द प्रयोग करेंगे। पुनर्जन्म का सिद्धांत तो कबड्डी के खेल में मरता है और जीता है, मरता है और जीता है। एक देश की विविधता के बीच भी एकता कैसी की होगी, उन्होंने एक आटे पाटे खेल होता है, खेल में स्कोर नापने के लिए वो जाएगा, स्कोर लेके आएगा, उसके लिए शब्द अलग अलग भाषा में अलग, मलयाली में कहेंगे उप तो अर्थ होता है नमक, बंगाल में बाकी कई तरीके के लून तो नमक, हिंदुस्तान की सब भाषाओं में जो नाम है इसके लिए, स्कोर के लिए, उसका अर्थ अगर खोजेंगे तो नमक निकलेगा। ये कहां से पहुंचा है उन्होंने, आज हम कहते हैं कि विविधता के बीच में कैसे तालमेल करना है। और इस नाते से मुझे लगता है कि यह जो भारत था, दुनिया की सामाजिक रचना है, धर्मपाल जी ने अंग्रेजों के आने के समय तक इस देश के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर, पंजाब के अंदर, मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर
हजारों हजार ऐसे गांवों का वर्णन किया है जो आत्मनिर्भर थे, जहां अकाल के समय की व्यवस्थाएं थी, जहां और एक दृष्टि से अपने गांव की सब प्रकार की जो आवश्यकता है सुरक्षा की, इन सब की व्यवस्थाएं वह गांव स्वयं करता था और अपने से ऊपर की वृत्त की जो इकाई है उसके लिए व्यवस्था करता था। तो इस नाते से मुझे लगता है कि यह एक भारत ने अपने उस चिंतन के आधार पर दैनंदिन व्यवहार के अंदर एक एक इकाई को रखते हुए एक रचना विकसित की। आज आवश्यकता इस बात की है, बहुत खराब हो गया है, उसकी बहुत विवेचना न करते हुए, बहुत हो चुकी है, इसको बदलने की प्रक्रिया के जो उपकरण है, जो विचार है, जो मूल्य है, उनके प्रचलन की आवश्यकता है। और इस नाते से मुझे लगता है कि यह लोकमंथन इस दिशा के अंदर कारगर हो। इसी के साथ साथ एक और विषय तो आता है आज सारी बातों के अंदर कि विभिन्न प्रकार की और जो अस्मिताएं हैं और टकराव, जैसे ही किसी की अस्मिता उग्र होती है तो हमको लगता है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और समाज की एकता का खतरा है। हमारे यहाँ पर संस्कृत में और तीन शब्द हैं, एक है अस्तित्व, दूसरा है अस्मिता और तीसरा है अहंकार। अंग्रेजी में कहना हो तो अस्तित्व को हम इजनेस कह सकते हैं, अस्मिता को एमनेस कह सकते हैं, अहंकार ईगो है। अस्तित्व तो आवश्यक है, व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, विश्व हो, हर एक का अस्तित्व है और हर एक की अपनी यूनिकनेस है, विशेषता है। तो अस्मिता भी कोई अस्मिता की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन अस्मिता यह उग्रता में आकार के एकता और अखंडता को खतरा न बने। तो जो हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था की थी कि बहुवृत्त के अंदर इस चेतना का विकास किया, मेरी अपनी संप्रदाय की अस्मिता, जाति की अस्मिता, मेरे समूह की अस्मिता, व्यक्ति की अस्मिता, वह तो रहे, इस अस्मिता के साथ अगर ईगो टूट जाता है तो जैसे ही इनको जुड़ता है वैसे ही बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, ये सब भाव उत्पन्न होते हैं। अस्मिताएं बुरी नहीं है, अस्मिताओं के साथ जाति अहंकार, संप्रदाय का अहंकार, व्यक्ति का अहंकार, ये जब उत्पन्न होता है तो वो खतरे का कारण होता है। और इस नाते से आज ये जो प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार की जो अस्मिताएं आज देश में हमको दिखाई दे रही है, जाट आंदोलन है, मराठा आंदोलन है, पाटीदार आंदोलन है, गुजर आंदोलन है, लिंगायत का है, कोई हम देखेंगे कि और उसकी रिएक्शन के अंदर फिर दलित अस्मिता की बात चलती है, हरेक की अस्मिता रहना चाहिए, लेकिन अस्मिता अहंकार में बदलकर एकता का खतरा ना बने। और इस नाते से राष्ट्रीय अस्मिता के साथ इसका तालमेल, उनके प्रश्न हो, उनकी कुछ बातें हो, लेकिन उन सब के अंदर एक भाव हो कि कुल मिलाकर हम एक बड़ी अस्मिता के हिस्से हैं। मुझे लगता है कि यह जो एक मार्ग हमारे पूर्वजों ने दिया था, और यह केवल शब्दों में नहीं दिया था, तो हजारों साल से भारत इतनी भाषाएं, इतने समूह, इतना सब कुछ लेते हुए जिया। मुझे घटना स्मरण आती है कि मार्गरेट थैचर जब प्रधानमंत्री थी और सोवियत रूस के विखंडन का टाइम था, गॉर्बाचोव के समय थैचर रूस गई थी, लौट के आई, तो एक डिनर के अंदर उस समय कुलदीप नैयर हाई कमिश्नर थे इंग्लैंड में भारत के, तो नैयर ने थैचर को पूछा कि कैसी रही आपकी यात्रा, तो थैचर ने कहा कि गॉर्बाचोव बहुत निराश और उदास थे, कि जो एथनिक ग्रुप है हमारे यहाँ पर अलग अलग, ये एथनिक आइडेंटिटी की इतनी अधिक टकराहट हो रही है कि मुझे लगता है कि रूस टूट जाएगा, रूस बिखर रहा है, ऐसे चिंतित है। तो नैयर ने थैचर को पूछा
कि तो आपने क्या कहा? फेचर ने जो जवाब दिया बड़ा विचार करने लायक है। फेचर ने कहा कि मैंने गोरबाजी को कहा कि इस समय तुम अपने परम मित्र भारत से सलाह क्यों नहीं लेते हो, जो इतने हजारों साल से इतनी भाषाएं, इतने संप्रदाय, इतनी जातियां, इतने राज्य, इन सबको लेके जी रहा है साथ में। पूछिए उन्होंने रूस में 15 अस्मिताओं की आइडेंटिटी प्रबल हुई, 15 टुकड़ों में बढ़ गया और ब्रिटेन भारत छोड़ के गया तो 565 राज्य जो थे, जो संधि से जुड़े थे, उनको छूट दे गया था कि आपकी मर्जी हो तो पाकिस्तान में जाओ, आपकी मर्जी हो भारत में जाओ, आपकी मर्जी हो स्वतंत्र हो जाओ। और वो सारे राज्य भारत में एक हो गए। कैसे हुए? ये केवल सरदार पटेल का नेतृत्व था, ये नहीं, इस समाज जीवन की हजारों साल की जो ऋषियों की तपस्या का अंतर्निहित विविधता को एक सूत्र में बांधने का जो रहस्य है उसमें है। मुझे लगता है आज के जो अस्मिता के संकट के प्रश्न है उनमें इन बातों को सोचने की आवश्यकता है। और अंतिम बात, इसके साथ साथ हमारे पूर्वजों ने इन सारी बातों को पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण हो इसका, ये उदारता जीवन मूल्य, ये समन्वय सौहार्द की बात, ये पारिवारिकता का भाव, और इसलिए भारत की सब विधाओं के अंदर, साहित्य के अंदर, धार्मिक ग्रंथों के अंदर, कविताओं के अंदर, नाट्य के अंदर, चित्रकला के अंदर, मूर्तिकला के अंदर, सब चीजों में उन्होंने अभिव्यक्त किया। और उसमें मुझे लगता है कि ये भी आज सोचने की आवश्यकता है कि शब्दों की भी एक दुनिया होती है, स्वरों की भी एक दुनिया होती है, रंगों और रेखाओं की भी अपनी एक दुनिया होती है, भाव और भंगिमाओं की भी एक दुनिया होती है। ये सब दुनियाएं को संदेश देती है। ये शब्दों की दुनिया जो साहित्य कविताओं आदि में अभिव्यक्त होती है, स्वरों की दुनिया जो संगीत और गायन इसमें अभिव्यक्त होती है, रंगों और रेखाओं की दुनिया जो और मूर्तिकला और चित्रकला इनमें अभिव्यक्त होती है, भाव और भंगिमाओं की दुनिया जो नाट्य के अंदर अभिव्यक्त होती है, आने वाले समय के अंदर यह सब, ये जो भारत है, यह भारत के हर विधा के अंदर अभिव्यक्त हो, यह एक चुनौती है। और इसलिए एकेडमिक विश्लेषण से आगे बढ़ते हुए हमें और नए प्रतिमान नाटकों के लिए नए स्क्रिप्ट्स, समाज के अंदर यह सौहार्द समन्वय बढ़ सके।